नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीम में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जी। हम ललितपुर के हृदय स्थल घंटाघर पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं जो कांग्रेसी हैं और प्रदीप जैन आदेश जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उनके नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर, माननीय प्रियंका गांधी के आह्वान पर, तो ललितपुर कांग्रेसी इकट्ठे हुए हैं, एकत्र हुए हैं घंटाघर मैदान पर। और ये केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदेश के नेतृत्व में हो रहे हैं। हम उनसे ही बात करते हैं कि इस धरना प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है और किस स्थिति के अंतर्गत बोले हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू और ईमानदार कर्मठ अध्यक्ष भाई अजय कुमार लल्लू को बिना किसी कारण के झूठे मुकदमों में जेल भेज दिया और ऐसे ही 90 लोगों पर झूठे मुकदमे लगा दिए। यही नहीं, उनकी केस डायरी भी नहीं भेजी जा रही, जिसकी वजह से उनकी जमानत भी नहीं हो पा रही। और जिस तरह प्रदेश सरकार को लोगों का सहयोग लेना चाहिए, और भाई अजय कुमार लल्लू जी तो प्रियंका जी के नेतृत्व में 1000 बसों से उत्तर प्रदेश के मजदूरों को घर पहुंचाने वाले थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने किया है ऐसा कभी हुआ नहीं। और हमारे मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति छोड़ें। वो नेपाल के प्रधानमंत्री को सलाह दे रहे हैं जो खुलेआम संसद में उनकी बुराई कर रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री अपना, उन्हें उत्तर प्रदेश देखना चाहिए। कल एक वरिष्ठ IAS के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, उसने कहा कि कोरोना की ज्यादा से ज्यादा जांच हो, तो उसमें मुकदमे लगा दिए। तो हम लोग इन सब के खिलाफ आज बैठे हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के झूठे मुकदमे लगना बंद हो और लोगों के ऊपर जो आर्थिक संकट है उस आर्थिक संकट में आगे हम लोग इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। इस तरह से हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आर्य का सांकेतिक धरना हुआ और उन्होंने धरने प्रदर्शन के दरमियान प्रदेश सरकार के खिलाफ अनेक प्रकार के आरोप लगाए और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अजय कुमार के संदर्भ में समर्थन में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। ललितपुर आए और उनके साथ अनेक कांग्रेसी रहे। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज चैन के साथ रवि कुंडी की रिपोर्ट।